पत्रिका ने जो जनरेली कैंपेन शुरू किया है, क्या आपको लगता है कि कॉन्सेप्चुअली ये यूनिक है एंड देयर इज अ नीड फॉर प्लेटफॉर्म लाइक दिस इन इंडियाज पॉलिटिक्स और इंडियाज डेमोक्रेसी? कि पत्रिका ये केवल एक पत्रिका नहीं है, और जितना भी मैंने पत्रिका के विभिन्न प्रयासों के बारे में जाना है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनको समेटते हुए पत्रिका ने जन जागरण के बहुत सारे काम बरसों से किए हैं, और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि पत्रिका फाउंडेशन के माध्यम से एक जन प्रहरी अभियान जो जनतंत्र को और अधिक बल देने वाला है हाथ में लिया जा रहा है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जन प्रहरियों के लिए करने लायक काम तो बहुत बड़ी संख्या में है, मगर वो करते करते उन्होंने जनतंत्र प्रहरी भी बनना चाहिए, क्योंकि जनतंत्र के बारे में ऐसा है कि जनतंत्र को जमीन पर उतारने के लिए और हर जन जन को उस तंत्र के अंदर के मंत्र का भी आकलन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना जरूरी है। जैसे वोटर लिस्ट जो होती है उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है, उसमें जो नए नाम डाले जाते हैं उसमें फर्जीवाड़ा है तो उसको उजागर करना जरूरी है, अगर कुछ सही जेन्युइन वोटर के नाम आते नहीं तो उसकी चिंता करना जरूरी है, जो हमारे बूथ होते हैं उनकी निकटता के बारे में भी सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि सारे लोग वोटिंग के दिन उपस्थित रहे, और जिनके बारे में ऐसा है कि उनकी दिन की कमाई अगर डूबने की संभावना रहती है वोटिंग के प्रयासों में तो उनके लिए भी कुछ न कुछ एक वैकल्पिक सहारा सहयोग देने की जरूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जन प्रहरी जनतंत्र प्रहरी के रूप में काम करेंगे और जनतंत्र को मजबूत करेंगे, तो मैं मानता हूं कि पत्रिका का जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप में सफल होगा। मेरी इस अभियान को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू।